हूँ। प्याज की समस्या अगर जापान में होती तो लोग उसको कैसे हैंडल करते, क्योंकि जापान एक बुद्धिस्ट देश है और बुद्धिस्ट देश में कोई समस्या को बहुत ही बुद्धि के साथ में हैंडल करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको देखते हैं। भारत चूंकि पहले एक कंट्री ऐसा था जहां सारे के सारे लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते थे, अभी बुद्धि के इस्तेमाल करने का स्तर बहुत निम्न हो गया है। प्याज भारत में अगर कम हो जाती है तो उसका हाय हुल्ला बहुत ज़्यादा होता है, लोग उस पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी ऊर्जा खर्च करते हैं। जापान के अंदर अगर प्याज खत्म हो जाता तो लोग जापान में क्या करते, लोग जापान के अंदर प्याज खरीदना इस्तेमाल करना ही बंद कर देते। जापान में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जबकि वहां इमरजेंसी आई है तो उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल ही बंद कर दिया, और इस्तेमाल बंद करने से उस चीज़ का क्राइसिस, उस चीज़ की कमी अपने आप ही पूरी हो जाती है। अगर भारत में प्याज कम है तो आप उसका हफ्ते दो हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए इस्तेमाल बंद कर दीजिए, उस पर रोना धोना बंद कीजिए। वाइजली बुद्धिस्ट लोगों की तरह, बुद्धिमान लोगों की तरह सोचिए, किसी खाद्य पदार्थ के, एक खाद्य पदार्थ के कम हो जाने से जीव को या मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं मारे नहीं जाते हैं। प्याज अगर आप एक महीने नहीं खाएंगे तो कोई आफत आने वाली नहीं है। जापान की तरह सोचिए, अपने देश को जापान की तरह आगे बनाइए, बुद्धिस्ट लोगों की तरह सोचिए, और बुद्धिस्ट देश जैसे आगे बढ़ते हैं उस तरह से बनाइए। धन्यवाद।